हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदील अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा पेट्रोल पंप का। एक पेट्रोल पंप लगाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है और उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग टोटल आपको मैं रिव्यू करवाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पम्प की तरफ, जो कि हमारा अपना ज़ाती पेट्रोल पम्प है, उसका मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा। ये 70 से 80 किलोमीटर दूर है यहाँ से, सरगोधा से अभी मैं निकल रहा हूँ, तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तो आपको इसका रिव्यू करवाऊंगा। जी दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त पेट्रोल पंप के ऊपर। ये आप देख सकते हैं व्यू पेट्रोल पंप का, PSO कंपनी का पेट्रोल पंप है। इसमें हमने इस वक्त 3 मशीन जो हैं वो इंस्टॉल की हुई हैं। एक पेट्रोल की मशीन है और 2 डीज़ल की मशीन है। डीज़ल की मशीन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि डीज़ल की यूजुअली ऐसी ऑफ लोकेशंस पर जो है सेल ज़्यादा होती है। सामने टायर शॉप है, साथ में मस्जिद है और टैंक्स हैं। 3 टैंक्स हैं हमारे पास, जिसमें 2 यूज़ेबल है और 1 यूज़ नहीं होता। सामने ऑफिस है, अभी चलते हैं अंदर ऑफिस में और आपको फाइनल रिव्यू देते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में और इसके प्रॉफिट के बारे में। PSO कंपनी का ये पंप, जो कि पाकिस्तान की नंबर 1 स्टेट ऑयल कंपनी है। पेट्रोल पंप का नाम मलिक ब्रदर्स पेट्रोलियम। जी, आप बात करते हैं पेट्रोल बिजनेस, पेट्रोल पंप बिजनेस के फाइनल रिव्यू के बारे में। अगर कोई दोस्त भाई एक कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। इस तरह का पेट्रोल पंप बनाने के लिए PSO का आपको इन्वेस्टमेंट दरकार है 6 से 7 करोड़ रुपये। इसको अगर मैं मजीद स्पेसिफाई करूँ तो इसके लिए आपको जगह लेनी होगी। जगह की वैल्यू 2 से 3 करोड़ के दरमियान हो सकती है किसी भी ऑफ लोकेशन पर अगर आप खरीदते हैं। और इसके ऊपर आपको 3 मशीनें एटलीस्ट इंस्टॉल करनी पड़ेगी और 1 मशीन की वैल्यू जो टैक्स दोनों कंपनी के और 30 से 35 लाख रुपये हैं। और 3 मशीनें आपने लगानी है तो 1 करोड़ रुपये यहाँ पे खर्च हो जाएगा। इसके ऊपर आपने बनानी है कनोपी। तो कनोपी की वैल्यू जो आजकल चल रही है वो 40 से 50 लाख के दरमियान। इसके बाद आपने करनी है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पर भी 1.5 से 2 करोड़ रुपया जो है कम अज़ कम वो खर्चा आ सकता है। तो टोटल 6 से 7 करोड़ रुपये की ये इन्वेस्टमेंट दरकार है। पेट्रोल पंप लगाने के लिए कम से कम जो जगह की रिक्वायरमेंट है वो 2 कनाल है, जो कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए तब आपको पेट्रोल पंप की मंजूरी मिलती है। तो ये पंप अल्हम्दुलिल्लाह 5 कनाल पर मुश्तमिल है। कम से कम आपको 2 कनाल की जगह जो है वो रिक्वायर होगी। अगर अभी बात करें हम प्रॉफिट की, तो ये पाकिस्तान में वाइज कारोबार है जिसका सबसे कम प्रॉफिट रेशो है। ये मेरे पास एक वॉइस मौजूद है, पर लीटर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5 रुपये है, जो कि 2% भी नहीं बनता। ये वायर बिजनेस है जिसका इतना लोएस्ट जो है प्रॉफिट है। जितने भी कारोबार हैं, पोल्ट्री देख लें, मेडिसिन देख लें, 30% 40% उनका प्रॉफिट है। इसके अंदर 2% भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आपकी सेल पर। अगर आपकी सेल ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर 5 रुपये के हिसाब से भी आप देखें, 1000 लीटर आप सेल करते हैं तो 5000 रुपये दिन का प्रॉफिट है, 2000 सेल करते हैं तो 10000 रुपये प्रॉफिट है। अगर आपके पास कोई आइडियल लोकेशन मौजूद है जिसमें आप सकते हैं कि आप 4 से 5000 लीटर डेली की सेल कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये बिजनेस जरूर स्टार्ट करें। एक अच्छा साफ सुथरा रिस्पेक्टेबल एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है। लेकिन अगर आपने डेली की 1000 लीटर या 2000 लीटर सेल करनी है तो इससे बेहतर आप किसी और बिजनेस की तरफ सोचें, उसकी तरफ स्विच करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर वर्क नहीं करती। अगर आप एक राजात निकालेंगे तो फिर आपको बहुत कम प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। तो इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कितने बिजनेस मौजूद हैं जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।